तो मुख जो है वो तत्सम है और मुंह तद्भव है, इस तरह से छांट लिया करो, ठीक है। और बाकी बातें डिटेल में देंगे, धीरे धीरे करवाएंगे। मुझे आज इतना ही करवाना था कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर, तो ये सारे कैसे याद करें। तो आपको दोबारा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, उत्पत्ति के आधार पर पहले याद कर लो, मतलब उत्पन्न, उत्पन्न पैदा कहाँ से हुए, यानी लाखों शब्द हिंदी में आए कहाँ से। तो आधे तो संस्कृत से आ गए, संस्कृत वाले चल रहे हैं, आधे को नीचे सरल रूप बन गया वो है तद्भव है, आधे देश में ही अपने जो क्षेत्रीय विशेष में पैदा हुए हैं वो शब्द हैं देशज, और आधे विदेशी भाषाओं से आ गए। तो इस प्रकार से लाखों शब्द हिंदी में इकट्ठे हो गए। दूसरा तरीका है व्युत्पत्ति यानी रचना, चलो जहाँ से भी आ गए पर उनकी बनावट कैसे है। तो आधे तो मूल शब्द हैं, आधे किसी से शब्द से या शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर बने वो यौगिक हैं, और बाकी योगरूढ़ है जिनका विशेष अर्थ निकलता है। फिर बात आ गई व्यंजक बोलने के आधार पर या उसके अर्थ के आधार पर, तो वाचक लक्षक व्यंजक ये वहाँ काम में ले लेंगे जब शब्द शब्दी करो शब्द शक्ति करवाएंगे, ठीक है। अब रहेगी बात विकार के आधार पर, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये तो चार विकारी हो गए, और क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मय बोधक ये अविकारी हो गए, और निपात भी अविकारी होते हैं, और क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। स्थान बताया जाए तो स्थानवाचक होता है, रीति बताया जाए क्रिया की दशा है ना स्थिति तो वो रीतिवाचक होते हैं, मात्रा बताई जाए तो वो परिमाणवाचक होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके भेद और उपभेद होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर सारांश हिंदी क्लासेस। वैसे तो ये स्वागत है वगैरह औपचारिक शब्द है, अपनों के लिए स्वागत शब्द अच्छा नहीं लगता, जो प्राय होते हैं या मेहमान होते हैं अपने घर आते हैं तब स्वागत की बात की जाती है। अपने घर पर जैसे पापा जी बाजार गए हैं या ऑफिस गए हैं या खेत गए हैं, घर पर आते हैं तो अपने कहते हैं कि वेलकम, या बड़े भैया हैं या चाचा है ताऊ है तो अपने घर पर अपने ही सदस्य आते हैं तो हम यूँ थोड़ी कहते हैं आइए वेलकम, ठीक है। तो आप तो मेरे अपने हैं, मेरे चैनल से जितने भी जुड़े हैं मैं उनको एक परिवार की सदस्य की तरह ही मानता हूँ, फिर भी औपचारिकता आप चाहते हैं तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझसे जुड़ते हैं। आज मैं शब्द विचार शब्दों पर जिक्र करने वाला हूँ। पीछे के तीन चार वीडियो में मैंने वर्ण पर प्रकाश डाला था, वर्ण विचार, स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं, व्यंजनों को कितने भागों में बांटते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे और क्रमबद्ध रूप से व्याकरण सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो तीन चार हैं जो मैंने शुरुआत से शुरू किए हैं वो उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप क्रम से देख सकते हैं और वहीं से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज वर्णों से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और मैं करवाता हूँ शब्द पर, चर्चा करते हैं अपने शब्द पर। तो देखो इस तरह से आपने गाइडों में बहुत सारे शब्द देखे होंगे, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, रचना के आधार पर, तो ये बहुत सारे विभाग हो जाते हैं। तो बच्चों के कन्फ्यूजिंग होती है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी रूढ़ विकारी अविकारी, तो इस तरह के झंझट में न पढ़ करके सरल एक कहानी सी बना करके इनको दिमाग में बिठाते हैं। तो सबसे पहली बात है इस कहानी का आप हिस्सा बनिए और शुरुआत से देखिए कि ये सारे भेद मैं कैसे याद करवाता हूँ। तो पहले तो आप दिमाग में ये लाएं कि जैसे कोई भी भाषा है उसकी छोटी इकाई वर्ण होती है ना, और उससे बड़ी इकाई शब्द होते हैं, और शब्दों से क्या बन जाते हैं वाक्य, और वाक्य से क्या बनते हैं अनुच्छेद जिसको पैराग्राफ बोलते हैं, और अनुच्छेदों से मिलकर क्या बनता है प्रोक्ति। प्रोक्ति पूर्णता का संकेत करती है, यानी वर्ण, वर्णों से बन गए शब्द, शब्दों से बन गए वाक्य, वाक्य से बन गए अनुच्छेद, और अनुच्छेदों से बन जाते हैं प्रोक्ति, बन जाती है प्रोक्ति। अब ये प्रोक्ति क्या है, प्रोक्ति पूर्णता का संकेत करती है। प्रोक्ति एक कविता हो सकती है, पूरी कविता जब वो कंप्लीट हो जाए, प्रोक्ति एक पाठ हो सकता है, प्रोक्ति एक कहानी हो सकती है, प्रोक्ति एक पूरी किताब हो सकती है, ठीक है ना। तो प्रोक्ति पूर्णता को संकेत करती है, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। तो इस पर हमने चर्चा कर ली, चार पांच वीडियो बना दिए, आज हम जिक्र करते हैं शब्दों पर।
तो गाइडों में जो अलग अलग दे रखे हैं रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर, तो इनको सरल तरीके से सीखना चाहते हैं क्रमबद्ध तरीके से, ताकि बिना कन्फ्यूजिंग के लंबे समय तक याद रहे। तो शुरुआत करते हैं, तो एक कहानी सी दिमाग में लाइए। पहले आप ये सोचिए कि हिंदी में लाखों शब्द हैं, लाखों शब्द है ना, तो आप दिमाग में ये लाइए कि लाखों शब्द हिंदी में आए कहाँ से। ये पहली समस्या है या पहला प्रश्न है जिसका हम हल चाहते हैं कि लाखों लाखों शब्द हिंदी में कहाँ से आए, यानी उत्पत्ति कैसे हुई उनकी। तो सबसे पहले आप उत्पत्ति से शुरुआत कर लीजिए, उत्पत्ति से, ठीक है ना, समझ आई बात। मतलब हिंदी में लाखों शब्द है, वो कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के आधार पर चार तरीके हैं, यानी चार तरीकों से लाखों शब्द हिंदी में प्रचलन में आ गए। तो वो चार क्या क्या हैं, पहली बात है वो चार है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब ये क्या है, शॉर्टकट में समझाऊंगा एक बार, तुम्हें डिटेल में आगे वाले वीडियो में चलेंगे। तो पहले आप देखिए तत्सम क्या है, यहां देखो तत् सम, सम होता है समान, तत् होता है उसका, उसकी, उससे, है ना, ऐसे अर्थ निकलते हैं तत् के। तो तत्सम उसके समान, किसके, संस्कृत के, मतलब हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत से निकली है, संस्कृत हिंदी की जननी है, ठीक है। तो संस्कृत से हिंदी पनपी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऐसे हिंदी आई है, ठीक है। तो संस्कृत से हिंदी निकली है, तो संस्कृत के शब्द तो हिंदी में होंगे ना, नहीं होंगे। अरे जो चीज जिससे बनी है तो उसका अंश तो उसमें रहेगा ना, जैसे काठ है, काठ से आप फर्नीचर बना लीजिए, मेज, कुर्सी, चकला, बेलन या कोई और कोई सामान, लेकिन उसमें काठ तत्व तो रहेगा ना। तो बात यह है कि जब हिंदी संस्कृत से निकली है तो संस्कृत के शब्द तो हिंदी में मिलेंगे ना, रहेंगे ना, तो उन शब्दों को तत्सम, उसके समान, संस्कृत के समान। तो हिंदी संस्कृत से निकली है तो संस्कृत के जो शब्द अब भी हिंदी में चल रहे हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और इनको हिंदी के शुद्ध शब्द भी कहेंगे, शुद्ध शब्द भी कहते हैं, मतलब प्योर, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों हिंदी में चल रहे हैं, उनको तत्सम कह दिया। जैसे दुग्ध, बार बार तो नहीं बोलते, दुग्ध आ गया, दुग्ध के पैसे दे दो, दुग्ध उफन गया, ऐसे नहीं बोलते, दूध बोलते हैं, है ना, लेकिन दुग्ध शब्द छोड़ थोड़ी दिया, प्रचलन में तो है ना, दुग्ध परियोजना। रात्रि, भले ही रात्रि का प्रयोग कम करते हैं, रात बोलते हैं, रात को मच्छर बहुत थे, रात्रि को मच्छर बहुत थे, ऐसे नहीं बोलते, रात्रि शब्द कम प्रयोग करते हैं, लेकिन बोलते तो है ना। रात्रि जागरण, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, मुझे बीच बीच में खांसी आ रही है, तो मुझे बीच बीच में कट करने पड़ रहे हैं वीडियो के, कोई बात नहीं, अब शुरू कर दिया तो इनको तो बताऊंगा। तो संस्कृत के शब्द जो हैं वो भले ही प्रयोग में कम आ रहे हैं, कम क्यों आ रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे अभी, कम आ रहे हैं लेकिन हैं। तो जो शब्द संस्कृत के चल रहे हैं, हिंदी में प्रचलित हैं, उनको तत्सम, संस्कृत के समान, यानी संस्कृत वाले जो शब्द हैं जो बिना परिवर्तन के हिंदी में चलते आ रहे हैं उनको तत्सम कहते हैं। जैसे रात्रि, जैसे धरित्री, जैसे घृत, जैसे हस्त, जैसे दुग्ध, ये शब्द मैंने तो कुछ ही लिखे हैं, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हस्त शब्द है, ये संस्कृत का है, अब हिंदी में कम प्रयोग करते हैं, लेकिन हस्त शब्द छोड़ थोड़ी दिया, चल तो रहा है ना हिंदी में, हस्त रेखा बोलते हैं ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, हाथ रेखा, हस्त लिखित, यूं थोड़ी बोलते हैं, हाथ लिखित,
तो हस्त का प्रयोग हो तो रहे ना। तो जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में चल रहे हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं, ये हिंदी के शुद्ध शब्द हैं, ठीक है। अब देखो दो नंबर पर तद्भव, इसका देखो तद प्लस में भव, ये वैसे तो तत् है तत्, लेकिन जब ये भय चौथा अक्षर मिलता है पहले के साथ है, तो वो तीसरे में बदल जाता है, तो त थ द दे में बदल जाएगा ते, ठीक है। तो ये हो जाएगा तद्भव, ठीक है। तो तत् प्लस में भव, भव होता है होना, संस्कृत में पढ़ा ना भवती भवत भवंती है ना, तो भव होता है होना। तो तद्भव उससे हुआ, इनसे हुआ, इनसे हुआ, तो इनसे कैसे हुए, रात्रि से हो गया रात, धरित्री से हो गया धरती, घृत से हो गया घी, हस्त से हो गया हाथ, दुग्ध से हो गया दूध, ये शब्द बन गए। ये शब्द इनसे क्यों बने, इसके पीछे का छोटा सा कारण है। पहली बात तो ये है कि पूरी प्रकृति ही परिवर्तनशील है, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। कृष्ण भगवान जिस पेड़ के नीचे बांसुरियां बजाते थे, गैया चराया करते थे, वो पेड़ आज है क्या? कहने का मतलब है जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। तो परिवर्तन प्रकृति का ही नियम है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा नियम, ये क्यों बनते हैं उसका कारण बता रहा हूँ। दूसरा कारण ये है कि किसी चीज़ को बार बार प्रयोग में लेते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे अपने नए नए बर्तन लाते हैं, मान लो बाजार से थाली लाए स्टील की, उसमें मुंह दिखता है ना, लेकिन बार बार उसको मांजेंगे राख से या किसी और से, तो कुछ से महीने बाद या कुछ दिनों बाद उसमें चेहरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, दिखे तो क्या पर वो हाउ जैसा दिखेगा, समझ गए। कहने का मतलब ये है कि बार बार प्रयोग करते हैं तो उस चीज़ में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो शब्द हैं सदियों से बोलते आ रहे हैं, बार बार बोलने से उनका भी रूप बदल जाता है। दो कारण बता दिए मैंने, एक तो पूरा परिवर्तन ही प्रकृति के कारण होता है, प्रकृति परिवर्तनीय है। दूसरा, बार बार किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्षय होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसका रूप बदलता है, ठीक है। अब देखिए, पहले बोलते थे जैसे दुग्ध, तो दुग्ध जो शब्द है वो धीरे 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 दूध कैसे बना, क्योंकि बोलने में द्विधा रहती है। और एक और नियम बताऊँ, तीसरा कारण कि भाषा हमेशा ही सुगमता की ओर बहती है, ठीक है। भाषा को हम जैसे चाहेंगे वैसे नहीं चलेगी, वो स्वतः ही सरलता की ओर बहती है भाषा। तो दुग्ध आ गया, दुग्ध के पैसे दे दो, दुग्ध फन गया, दुग्ध पी लो, दुग्ध ठंडा हो गया, दुग्ध में चीनी डालो, दुग्ध के पैसे दे दो, दुग्ध आ गया, दुग्ध वाला आ गया, दूध 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 दूध, मैंने तो एक सेकंड में दो सेकंड में ही कर दिया दुग्ध से दूध। लेकिन दुग्ध से दूध होते होते भी सैकड़ों साल लग गए, बताया ना। संस्कृत के शब्द थोड़े से क्लिष्ट होते थे और भाषा सुगमता की ओर बहती है, तो उन शब्दों का रूप बदलता गया और नए शब्द आते गए। जैसे अग्नि शब्द है, तो पहले अग्नि ये संस्कृत का शब्द है, तो धीरे धीरे क्या है कि ये विसर्ग जो है की आवाज देता है, जैसे मैंने बताया था अत, ये हो गया अत है, तो ये है की आवाज कम हुई शने शने धीरे धीरे, तो अग्नि बोलने लगे, अग्नि ही को अग्नि, सीधा ही अग्नि आसानी से निकलता है ना, और भाषा सुगमता की ओर बहती है। फिर धीरे धीरे प्राकृत भाषा वगैरह आई, अपभ्रंश आई, तो उसमें आगी, लोग आगी पर झुकी रहते है ना, तो इस तरह के शब्द आ गए। अग्नि से ये हटा, अग्नि बना, अग्नि से फिर आगी बना, आगी से फिर आग बना, तो अग्नि ही से आग बनते बनते भी सैकड़ों साल लग गए। लेकिन भाषा परिवर्तनीय है और सुगमता से जो शब्द उच्चरित होते हैं तो उसी का वो रूप धारण कर लेते हैं परिवर्तन होने के बाद। तो अग्नि ही बोलने में दिक्कत आती है, द्विधा होती है, सरलतम रूप से आग निकलता है आग, तो आग जो है वो अग्नि से बन गया, यानी इसका रूप बदल करके, यानी इससे हो गया तद्भव, ये हो गया इससे, ठीक है ना। तो ये तो है तत्सम संस्कृत वाला,
और इससे हो गया वो तद्भव, तो ये तद्भव शब्द है आग, ठीक है ना। यहाँ एक और लिख लो, भले बहुत सारे हैं ये, अग्नि ही का क्या हो गया आग। अब ये जो शब्द हैं ये शब्द बन गए नए, आ गए प्रचलन में, प्रयोग में, तो इनको कह दिया तद्भव। अब सुनो अपनी बात शुरू कहाँ से की थी कि हिंदी में इतने सारे लाखों शब्द कहाँ से आए, तो पहला तो दिमाग में ले आओ कि उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए, तो पहला तो आप याद करो उत्पत्ति के आधार पर। तो एक तो संस्कृत वाले शब्द पढ़े हैं हिंदी में, ठीक है, भले ही कम पढ़े हों, पढ़े हैं, प्रयोग में आ रहे हैं, प्रचलन में है। दूसरा उन्हीं से नए शब्द और बन गए, वो भी धड़ल्ले से प्रयोग में आ रहे हैं, तो उनको तद्भव कह दिया। अब रही बात है और कौन से शब्द हैं देशज, मतलब कुछ शब्द संस्कृत के थे, कुछ उन्हीं से रूप बदल कर आ गए, कुछ क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए, उनको देशज कहते हैं। यहां मैं एक चीज बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा जब बात आ गई तो बता देता हूं। यहां देखो ये जय है, जय, जय होता है जन्म लेने वाला, तो यहां देखो एक बार, जय जन्म लेने वाला, दे देने वाला, ये जानने वाला, और धी धारण करने वाला, ठीक है। तो यहां देखो आप, पानी जो शब्द है उसके पर्यायवाची क्या होंगे, जल, नीर, वारी, अंबु, पै, तोय, ठीक है ना। ये अब यहां देखो आप, पानी के चार पांच पर्यायवाची आपने याद कर लिए, ठीक है। अब यहां आप लगाओ दे, दे देने वाला, तो यहां लगाओ आप दे, ये हो गया जलद, जल देने वाला यानी बादल। यहां लगाओ नीरद, नीर देने वाला यानी पानी देने वाला यानी बादल। वारिद, वारी देने वाला, वारिद यानी बादल। अम्बुद, बादल। पयोद, यहाँ ओ लग जाएगा, क्योंकि ये जो विसर्ग है ना इसमें तीसरा चौथा कोई शब्द आता है ना, कोई अक्षर आता है, तो ये ओ की मात्रा, तो ये हो गया पयोद, तो ये हो गया बादल के पर्यायवाची। अब यहां लगाओ आप जय, जग, है ना, जय होता है जन्म लेने वाला, तो जलज, जल में जन्म लेने वाला यानी कमल, कमल जल में खिलते हैं, रेत में नहीं लगते, मिट्टी में, ठीक है। नीरज, नीर प्लस में जय, तो कमल का हो गया। वारिज, वारी में जन्म लेने वाला पानी में, तो कमल। अंबुज, कमल। पयोज, कमल, ये कमल के पर्यायवाची हो गए, ठीक है ना। एक शब्द और देखें, पंख बोलते हैं कीचड़ को, पंख, तो जय हो गया जन्म लेने वाला, पंख में, कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो पंकज होता है कमल, ठीक है। अब और देखें आप, यहाँ छोटी धी, ये लगाएं, धी होता है धारण करने वाला, अब यहाँ लगाएं जल धी, जल के आगे लगाएं जल धी, वारी धी, अंबु धी, ठीक है, अंबु धी, नीर धी, इस तरह से ये पयो धी, पयो धी, ये धी लग जाता है तो होता है जल को धारण करने वाला, जल का भंडार यानी समुद्र, तो ये समुद्र के बन गए सारे के सारे, किसके बन गए, समुद्र। एक यहाँ गलती मत करें, समुद्र कई बार बच्चे बोलते हैं समुद्र, नै नहीं होता, समुद्री होता है, ठीक है। समुद्र को और क्या बोलते हैं, रत्नाकर, रत्नाकर, कर होता है खजाना, रत्नों का भंडार, क्योंकि मोती पानी में डुबकी लगाने से मिलती है ना, गहराइयों में, समुद्रों में रत्नों की खान होता है समुद्र, ठीक है, तो रत्नाकर भी बोलते हैं। एक सागर भी बोलते हैं समुद्र को, सागर, ठीक है। तो ये आपके कुछ शब्द बन गए, इनके लाभ भी हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ बताए हैं उनके लाभ है, आगे कहीं कोई प्रश्न में काम आएंगे, इसलिए मैंने छोटी सी बात बीच में थी, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना उनके टॉपिक तो बड़े बनते नहीं हैं, तो मैं चलते टॉपिक में कोई बात आती है तो उसी में बता देता हूँ। तो कई बच्चों को परेशानी होती है कि जो लिखा हुआ वो तो बता ही नहीं रहे, कुछ और बता रहे, अरे कुछ और बता रहा हूँ तो काम की बात ही तो बता रहा हूँ ना, फूड बात तो नहीं कर रहा ना बीच में, आपको सीखने से तो मतलब है ना, जो लिखा पड़ा है वो तो लिखा ही पड़ा है, वो तो करवा ही दूंगा, तो जो बीच में कोई बात दिमाग में आती है वो पहले हो जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि बड़े टॉपिक तो लिखे होते हैं वो याद आ जाते हैं, वो तो करवाने ही होते हैं, छोटी बातें सोचते हैं कि बाद में बताएंगे, तो फिर बाद में वो छोटी छोटी बातें याद नहीं आती, तो जैसे याद आती है तो मैं बता देता हूँ, तो आप धैर्य के साथ सीखें, ठीक है ना, उतावलापन सीखने में मदद नहीं करता, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, बड़ा टॉपिक तो बोर्ड पर लिखेंगे तो वो तो हल करवाएंगे, आज करवाएंगे तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, करवाएंगे वो तो, लेकिन छोटी छोटी बातें उनको यूँ सोच के टाल देंगे कि बाद में बताएंगे, तो वो बाद में अलग से छोटी बातें याद नहीं आती,
तो चलते टॉपिक में ही मैं बता दिया करता हूँ, तो आप परेशान मत हो, ये सारी बातें कर देंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ ये थी, ये इसको और लगते हाथ बता देता हूँ, ये होता है जानने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है जो कुछ नहीं जानता। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, मैंने प्री बोर्ड में 12वीं क्लास में दे दिया कि जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द लिखो, तो बच्चे क्या लिखते हैं, जो कुछ नहीं जानता बुद्धू, कोई लिखते हैं अज्ञानी, अपने अपने हिसाब से लिखते हैं वो। तो जो कुछ नहीं जानता तो ज्ञ होता है जानने वाला, और जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, ए लगा दो आगे। जो सफल होने वाला है तो वो सफल हो गया, और नहीं होने वाला है तो ए लगा देंगे असफल। तो ज्ञ होता है जानने वाला, तो अज्ञ जो नहीं जानता, हो गया ना। अब इसका विलोम कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में, तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। क्यों? क्योंकि वी का मतलब होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से जानते हैं जिसको, विज्ञ भली भांति। तो यहां आता है जो भली भांति जानता है, भली भांति जानता है उसके लिए क्या कहते हैं, विज्ञ। और बच्चे क्या करते हैं, जो भली भांति जानता है जानकार, ज्ञानी, इस तरह के शब्द लिखते हैं, ठीक है। तो ये विज्ञ हो गया। एक और देख लें, गौर करें, वी जो उपसर्ग है वो क्या करते हैं, पहले बताऊं उपसर्ग क्या करते हैं। उपसर्ग शब्द का रूप बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। और प्रत्यय जो हैं वो शब्द के लास्ट में जब जुड़ते हैं कोई शब्दांश, वो क्या करते हैं, अर्थ नहीं बदलते, नयापन ले आते हैं। जैसे भारत, ये जोड़ दो भारतीय, तो अर्थ उसी से संबंधित होता है। लेकिन उपसर्ग जो है ना, वो अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, विलोम कर देते हैं। जैसे सफल ए तो असफल, बहुत बार अर्थ विपरीत कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये वी उपसर्ग है, तो ये क्या करता है, कई बार तो विशेष बना देता है उसको। जैसे ज्ञ होता है जानने वाला, और विज्ञ, विज्ञ भी जानने वाला, विशेष रूप से जानने वाला, तो उसको विशेष बना देता है। जैसे भाग, तो इसमें वी लगा दो विभाग, तो भाग तो एक पार्ट हो गया, और विभाग उसी में विशेष जो भाग किए हुए विभाग, तो इसको विशेष बनाता है, विशेष अर्थ में जुड़ जाता है भाग विभाग। कई बार वी उल्टा कर देता है, विलोम कर देता है, जैसे देश, तो वी जोड़ देंगे तो विदेश यानी परदेश, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है। जैसे फल, फल प्राप्ति हो गई है ना, अगर अब यू लगा दें वी तो विफल यानी फैल। तो कई बार वी विशेष बना देता है, कई बार वी अर्थ का अनर्थ कर देता है, उल्टा विपरीत कर देता है। चलो ये अलग बात थी, दिमाग में आपकी आ गई होगी। अब यहाँ देखना जारी रखें, जो कम जानता है, कम जानता है, तो यहाँ लिखो अल्प और ज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक है। जो बहुत जानता है, बहुत कुछ, जो बहुत कुछ जानता है वो हो गया बहुज्ञ, बहुज्ञ। एक तो बहु होता है ये, बहु, ये होता है बहुत। एक होता है बहु, बड़ा, बड़ी मात्रा, ये होता है पत्नी, ठीक है। बहु उद्देश्य परियोजनाएं, कई उद्देश्यों वाली परियोजनाएं, बहु उद्देश्य, ठीक है ना। तो बहु होता है बहुत, और बड़ा वो करेंगे तो वो पत्नी का अर्थ देगा, ठीक है। तो यहाँ बहुज्ञ यानी बहुत सारा जानने वाला, बहुत कुछ जानने वाला, ठीक है। एक आता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, तो वो होता है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। तो ये शब्द आप याद रखें, ठीक है। ये कहाँ काम आते हैं, एक दो प्रश्न के माध्यम से बता रहा हूँ। देखें ये प्रश्न, देखें जो धन देता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें जो धन देता है, तो बच्चे पढ़ेंगे धनवान। हाँ, धनवान ही धन देगा, गरीब तो कहाँ से देगा। तो कई बोले बच्चे ओ आमार सीट में यही काला करने लग जाते हैं, ए नीचे देखते ही नहीं, टाइम कम होता है ना, बहुत सारे प्रश्न हल करने होते हैं। फिर कोई नीचे देख भी ले तो भगवान जो धन देता है, हाँ देने वाला तो भगवान ही है, तो वो बै को काला करेंगे, है ना। और किसी की नज़र नीचे गई, तीसरे में दत्ता,
हाँ रे, देने वाला तो दत्ता ही होता है, यही होना चाहिए दत्ता। तो कोई इसको काला कर रहा है, वो इनको काला नहीं कर रहे, भविष्य को काला कर रहे हैं। यहां तक नजर जाएगी नहीं, पहले काला कर चुके होंगे। अगर किसी की यहां नजर चली गई, धन दे, ये तो सुना हुआ ही नहीं है, पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने वो दे देने वाला जय जन्म लेने वाला बता दिया ना, तो आप ध्यान में आ जाइए आपके कि धन देने वाला धनद, तो ये काला करना है, समझ गए। तो छोटी छोटी सुनी हुई बातें कहीं ना कहीं काम आ जाती है, तो सुनते रह करो बीच की बातें। टॉपिक तो कहीं भी पढ़ लेंगे, देख लेंगे, मोटी बातें तो याद हो जाती है, छोटी छोटी बातें कोई बताता नहीं है या ध्यान में नहीं आती होगी, तो ये नोट करें, इसको छोटा हल्के में मत लो, ठीक है। अब अपने वहीं से जुड़ जाते हैं, देशज, जो जय होता है जन्म लेने वाला, देश प्लस में जय, देशज यानी अपने ही देश में जन्म लेने वाले। तो ये वो शब्द होंगे हिंदी में प्रचलित जो किसी क्षेत्र विशेष में पनप जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बोलते हैं पेट, थोड़ा सा आगे पंजाब की तरफ जाओ तो वो बोलते हैं टिड। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है ना। कोई बोलते हैं लोटा, कोई बोलते हैं गड़वी, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्द बोले जाते हैं, जूता, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी, है ना। खिड़की को कई लोग बारी बोलते हैं, थोड़ा पंजाब की तरफ जाओ तो ताकी भी बोल देते हैं। तो खिड़की, खिचड़ी, पेट, जूता, ये जो शब्द हैं ये हिंदी में प्रचलन में आ रहे हैं, वो देशज शब्द हैं, ठीक है। अब है विदेशी, अपने कर क्या रहे हैं, अपने ये जानने हैं कि हिंदी में लाखों शब्द कैसे आए। तो आधे तो संस्कृत वाले पढ़े हैं जो अभी भी चल रही, ठीक है ना। और कुछ शब्द उन्हीं तत्समों से बदल कर बन गए, उनका रूप बदलने के कारण। और रूप क्यों बदलता है बता दिया, बार बार प्रयोग करने के कारण, है ना। और कुछ शब्द क्षेत्र विशेष में पनपे होते हैं जो हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं, हिंदी में आ जाते हैं। इसके अलावा इतने सारे शब्द और कहाँ से आए, वह विदेशी शब्द भी हिंदी में बढ़ गए, आ गए। हिंदी ने दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लिया। देखो, हुन आए, डच आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, इतनी इतनी विदेशी जातियां भारत में आएंगी तो उनके शब्द हिंदी में नहीं मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। अपना ननिहाल हरियाणा में हो और हम वहाँ महीने भर रह कर आएँ तो एक दो शब्द हरियाणा के हमारे मुँह से नहीं निकलेंगे क्या? निकलेंगे। तो एक दो महीने में फर्क पड़ गया तो विदेशी जातियाँ तो भारत में कई कई सालों तक रही है तो उनके शब्द हिंदी में नहीं आएंगे क्या? आएंगे। तो उनको बोलते हैं विदेशी शब्द। और अंग्रेज लोग बहुत साल रहे, 250 साल रहे, तो अंग्रेजी के शब्द हिंदी में बहुत हैं, रजिस्टर, स्कूल, फाइल, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। और मुगलों का शासन बहुत सालों तक रहा है तो उर्दू के शब्द तो हिंदी में बहुत आ गए। और शुरुआत से ही हिंदी और उर्दू तो सगी बहने के नाम से साहित्य में जानी जाती है। सिर्फ लिपि का ही फर्क है, उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है, हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। वर्ण और लिपि उनका भेद है पर भाषा एक ही है, ठीक है ना। मुझे उर्दू आती नहीं है, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। जैसे हम कहें वह मेरा हमशक्ल है तो बोलने में तो अपने हमशक्ल बोल देते हैं, है ना, लेकिन ये हमशक्ल हिंदी का नहीं है, उर्दू का है। भले इसको यूं लिखा जाता होगा मुझे नहीं पता, वो इधर से इधर लिखी जाती है उर्दू, और हिंदी इधर से इधर लिखी जाती है। तो लिपि का और लिखने का फर्क है, वरना हिंदी और उर्दू तो मिलते जुलते शब्द हैं, वो सगी बहने दोनों भाषाओं को कहा जाता है। तो विदेशी शब्द बहुत आ गए, मैं एक लिस्ट डाल दूंगा बाद में, तो उनसे थोड़ा याद करने की कोशिश करना। जितने शब्द ज़्यादा याद हो जाए, पहचान बढ़े, उतने बढ़िया ही बढ़िया है, क्योंकि पेपर में छांटने को आता है, ठीक है, कि कौन सा शब्द है, तत्सम है कि देशज है या कौन सा है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उन शब्दों की लिस्ट बना करके थोड़ा रीडिंग मारना दो चार बार, तो वो आगे सहायता करेंगे आपकी। तो आप समझ गए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं, समझ गए ना। उत्पत्ति से याद आ जाना चाहिए, उत्पत्ति यानी कैसे आए, इतने इतने लाखों शब्द हिंदी में कैसे हुए। आधे तो संस्कृत वाले हैं, आधे उन्हीं से सुगमता के लिए नए बन गए उन्हीं के रूप बदल करके, और आधे खुद देश शब्द पड़े हैं, और आधे विदेशी भाषाओं के आ गए, तो चार प्रकार से आ गए। तो उत्पत्ति के आधार पर चार भागों से बांटते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये तो आपके याद हो गया होगा। अब आती है बात व्युत्पत्ति, इस शब्द को ही देखो याद हो जाएगा। यहाँ आधा अक्षर दिखे, आगे ये दिखे तो ई की मात्रा लगा देना, ये यन संधि का उदाहरण है। तो ये हो गया वी प्लस में उत्पत्ति, वी मतलब विशेष प्रकार से उत्पत्ति। उत्पत्ति तो समझ में आ गई बात है कि हिंदी में लाखों लाखों शब्द कहाँ से आए। अब है वी उत्पत्ति, चलो जहाँ से भी आ गए
पर उनकी वी उत्पत्ति यानी विशेष प्रकार की उत्पत्ति, यानी वो जहाँ से भी आए हैं जैसे भी आए हैं, पर उनकी बनावट कैसे हैं, बनावट है, बनावट की बात हो रही है, मतलब रचना, यानी वो कैसे बने हैं रचना के आधार पर। तो ये जो रचना के आधार पर हैं तीन प्रकार के, ये यही है व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के, तो इसको तो कम करो, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब हुआ आए कहाँ से, वी उत्पत्ति बने कैसे, चलो जहाँ से भी आ गए पर उनकी खुद की बनावट यानी रचना कैसे है, तो तीन प्रकार के वो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सिंपल से शब्द हैं, सिंपल से भाग हैं, अपने आप याद हो जाएंगे थोड़ी देर में। देखिए आप, रूढ़ तो उनको कहते हैं जो मूल शब्द हैं, यानी किसी से बने नहीं हैं, खुद ही मूल हैं, किसी से जुड़कर नहीं बने, दूसरे शब्दों के या शब्दांशों के सहयोग से नहीं बने, खुद ही मूल शब्द हैं, उनको कहते हैं रूढ़। रूढ़ तो कहते हैं मूल शब्दों को, मूल शब्द। ठीक है, यौगिक, योग प्लस में इक, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, योग यानी जुड़ने से बनते हैं वो वाले, ये योग रूढ़। तो एक एक को देखें पहले, रूढ़ यानी दो शब्दों को देखें पहले, फिर पता लगेगा। यहां देख लें, आदमी, क्या आपको लगता है दमी के साथ आ जुड़ने से आदमी बने, नहीं, आदमी खुद ही मूल शब्द है। आजाद, क्या आपको लगता है जाद के आगे आ जुड़े और आजाद बने, नहीं, ये खुद ही मूल शब्द है। हाँ ये बना पता लग रहा है, जीवन, आजीवन, जीवन भर, आजीवन, ये मिलकर बना है ना आ से। तो कुछ शब्द मूल होते हैं, कुछ दूसरे शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं, उनको यौगिक कहते हैं। जो मूल है वो रूढ़ है और जो मिलकर बनता है वो यौगिक है। अब मिलकर कैसे कैसे बनते हैं वो देखो, चार तरीके से बन सकते हैं। कैसे, या तो इस तरह से बन जाएंगे, जीवन के आगे आ जुड़ गया, दिन के आगे प्रति जुड़ गया, प्रति, प्रतिदिन है ना, या प्रति एक, तो प्रत्येक, ये जुड़कर बन रहे हैं, समझ में आ रही बात है। और कुछ ऐसे भी जुड़कर बन जाते हैं, जैसे मानव, तो ये आ गया मानवता, सज्जन, तो सज्जनता, भारत, तो भारतीय, जापान, तो जापानी, इसमें ई जुड़ गया, इसमें ता जुड़ गया, इसमें ई ए जुड़ गया, तो ये कुछ शब्दांश बाद में जुड़कर नए शब्द बना देते हैं, कुछ उपसर्ग नए जुड़ के बना देते हैं, यानी यौगिक में योग होने से बनते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें या तो वो बनेंगे उपसर्ग से, या बन जाएंगे वो प्रत्यय से, यानी मूल शब्दों के साथ कोई शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनते हैं तो उनको यौगिक कहते हैं, या संधि से भी जुड़ेंगे, संधि से भी बन जाएंगे, संधि से, जैसे नर प्लस में इंद्र, तो ये हो गया नरेंद्र, नया शब्द बन गया। बताया था अन्न यानी अनाज प्लस में अभाव, तो ये हो गया अन्नाभाव। ठीक है, विद्या प्लस में अर्थी, ये हो गया विद्यार्थी, दो मिलकर बन गए। महा उत्सव, तो महोत्सव, तो संधि से भी दो शब्द बन गए, यानी योग हो गया, वो योगिक है, समझ आई बात। यहां मैंने अर्थी शब्द लिखा है, तो पहले इसको देख लें, अर्थी होता है अर्थ वाला, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थ वाला, या इच्छुक भी इसका अर्थ निकलता है, विद्या अर्थी, विद्या का अर्थी, यानी विद्या का चाहने वाला, विद्या का इच्छुक, ठीक है ना। एक अर्थी ये होता है अर्थी, ये अर्थी, ये अर्थी, ये होता है शवशय्या, जो डेड बॉडी होती है ना, जिस पर मुर्दे को जलाते हैं या मुर्दे को ले जाते हैं, तो वो अर्थी ये है, ये दो शब्द अलग है। चलो आगे देखो, तो आप समझ गए योगी कैसे बनते हैं, एक समास से भी बनते हैं, जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दोनों को पास लाओ दही बड़ा, ये भी नया शब्द बन गया ना, दाल और रोटी, और को हटाओ दाल रोटी, ये भी बन गया ना यौगिक, समझ गए। तो चार तरीके हैं यौगिक बनने के, या तो उपसर्ग से, या प्रत्यय से, या संधि से, या समास से, ठीक है। एक तरीका और भी है मूल शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, एक और भी है, जैसे रेल, ये अंग्रेजी का शब्द है, आर ए आई एल, ठीक है,
गाड़ी हिंदी का शब्द है और हमने इन दोनों को मिला दिया रेलगाड़ी, तो अलग अलग भाषाओं के है ना मिलकर नए शब्द बन गए, तो उनको बोलते हैं शंकर। शंकर यहाँ देखिए एक ये शंकर है, ये शिव जी को बोलते हैं शिव भगवान, शंकर की जय हो भोले भंडारी। और ये शंकर होता है मिश्रण, कहते हैं ना शंकर बीज, शंकर प्रजाति जो दो प्रजातियों से मिलकर बनती है ना, जैसे कहते हैं घोड़ा और गधा इन दोनों के बीच की प्रजाति शंकर वो है खच्चर, है ना। तो इस तरह से शंकर जो दो भाषाओं अलग अलग भाषाओं के मिलने से बनते हैं वो शंकर शब्द हैं, ठीक है। इनका अलग कहीं उपयोग हो जाएगा, कोई प्रश्न में बता दूंगा, वो प्रश्न ऐसे बना सकता है निम्नलिखित में से शंकर शब्द छांटिए, तो पता होना चाहिए शंकर शब्द कौन से होते हैं जो दो भाषाओं के मिलकर बनते हैं। तो जो जितने भी गाइड में मिल रहे हैं आपको वो एक बार नज़र दौड़ा लें ताकि याद रहे कि हाँ ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, तो परीक्षा में आएंगे तो करना आसान हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा तपना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चार पांच तरीके हो गए योगिक शब्द बनने के। अब है योग रूढ़, इसको समझो, योग साथ में तो ये दिख रहा है, रूढ़ साथ में ये दिख रहा है, यानी देखने में तो वो यूं लगेंगे कई बार तो कि वो रूढ़ है और कई बार लगेंगे योगिक है, लेकिन वो ना तो रूढ़ होंगे ना योगिक होंगे, वैसे तो योगिक होंगे वो मिलकर बनेंगे, लेकिन उनका विशेष अर्थ निकलेगा। जब किसी शब्द का विशेष अर्थ निकले तो उनको योगरूढ़ कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया पंकज, तो इसका सीधा तो अर्थ है पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में तो बदबू भी पैदा हो जाती है, बदबू नहीं होती क्या, बदबू कहाँ पैदा होती है, कीचड़ में, कीचड़ में कमल भी खिलता है, लेकिन हमने इसका विशेष अर्थ ले लिया, बदबू अर्थ नहीं लिया। और कीचड़ में तो कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, लेकिन पंकज कहते ही कीड़े मकोड़ों का ध्यान नहीं आता, बदबू का ध्यान नहीं आता, पंकज कहते ही कमल ध्यान में आता है, तो हमने इसका अलग विशेष अर्थ ले लिया। तो पंकज जो है योगरूढ़ है, यानी आप यूं समझो कि जो बहुव्रीहि समास वाले होते हैं ना जिनका विशेष अर्थ लेते हैं, जैसे त्रिनेत्र, तो ना तो हम त्रि की बात करें ना नेत्र की बात करें, हम तो शिव जी की बात करें, तो ये हो गया योगरूढ़, जिनका विशेष अर्थ निकलता है वो योगरूढ़ कहलाते हैं। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न बना रहा हूँ, उससे इसकी दोहराई कर लीजिए। चार ऑप्शन में से आता है, इनमें से रूढ़ शब्द छांटिए, योगिक छांटिए, योगरूढ़ छांटिए। हम चार की बजाय पांच सात शब्दों पर देखते हैं, पेड़, अपराधी, गर्मी, चंद्रशेखर, राजेंद्र, मतदाता। तो यहाँ देखो पेड़ क्या है, रूढ़ है, रूढ़ वो होते हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनते, मूल शब्द, मूल शब्द को रूढ़ कहते हैं, रूढ़, ठीक है ना। अब रह गई बात अपराधी, मिलकर बना ना, तो ये हो गया योगिक, ठीक है। गर्मी, गर्म ई, तो ये हो गया योगिक, समझ आई बात है। चंद्रशेखर, तो यहाँ चंद्र और शिखर, चांद है शिखर पर जिसके, चंद्र यानी चंद्रमा, शिखर यानी जटाएं चोटी, है ना, तो चंद्र है शिखर पर जिसके, तो चंद्रशेखर शिव जी को कहते हैं, शिव भगवान को। आपने शिव जी के जटाओं में आधा चांद कई फोटो में देखा है, तो चंद्रशेखर, तो यहाँ विशेष अर्थ निकल रहा है, इसको कहते हैं योगरूढ़, ये है योगरूढ़, ठीक है। राजेंद्र, ये संधि से बना है, राजा इंद्र, ठीक है, तो ये है तो योग से बना हुआ ना, तो योगिक है ये। मतदाता, ये भी योगिक है, समझ गए तीनों। तो व्युत्पत्ति कह दो या रचना कह दो, रचना के आधार पर, यानी ये तो है उत्पत्ति, आए कहाँ से, ये बने कैसे, बनावट, रचना, तो व्युत्पत्ति रचना को कहते हैं। तो तीन प्रकार के हैं, रूढ़, योगिक और योगरूढ़। अब है अर्थ के आधार पर, वैसे तो कई गाइडों में यूं मिल जाएगा सार्थक निरर्थक, दो भाग करते हैं अर्थ के आधार पर, लेकिन सार्थक निरर्थक का कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, ठीक है। जैसे अपने बोलते ना चाय वाय, कि यार सीधा सीधा क्या जा रहा है, चाय वाय पी कर जाना, तो चाय तो होता है, वाय क्या होता है, निरर्थक शब्द है, लेकिन प्रयोग में आ जाता है ना, तो कई करते हैं सार्थक और निरर्थक, जबकि निरर्थक शब्द शब्द होते ही नहीं, तो ऐसे भेद करने का कोई ज़्यादा औचित्य है नहीं। अर्थ के आधार पर तीन प्रकार के वो ऐसे करते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ये तीन वाक्य देखिए, गाय दौड़ रही है, यहाँ प्रत्येक शब्द साधारण अर्थ दे रहा है,
जो बोला जा रहा है या जो लिखा हुआ है वही उसका अर्थ है। गाय दौड़ रही है, यही अर्थ है इसका, जो वचन हुआ है, जो बोला गया है। दूसरा देखो, उसे मत सताओ बेचारी निरी गाय है। यहाँ जो गाय शब्द है वो तो वाचक के अर्थ में है, ठीक है। ये जो गाय है, निरी गाय है, यहाँ कभी भी लड़की गाय नहीं होती, कोई औरत गाय नहीं होती, वो सीधे सरल स्वभाव के कारण आता है। सीधे सरल स्वभाव के कारण प्रयोग में लेते हैं कि बेचारी को मत सताओ, वो तो निरी गाय है, ठीक है, समझ में आई बात है। तो ये गाय जो है वो लक्ष्य अर्थ लेकर के आया है, किसी की ओर इंगित करता है लक्ष्य अर्थ लेकर, ठीक है ना। सीधा सरल कहने के अर्थ में आया ये, सीधा सरल अर्थ कहने के अर्थ में, तो ये लक्षक है। तीसरा जो है वो व्यंजक है। यहाँ देखो जो विशेष भाव व्यंग्य का भाव दिखाते हैं, व्यंग्य, व्यंग्य का मतलब होता है जो सीधे शब्दों में ना कहें और किसी को लक्षित करके भी ना कहें, कोई गूढ़ अर्थ डाल दें, कोई गहरी बात उसमें कही जाए, वो व्यंग्य अर्थ होता है। जैसे इस वाक्य को देखो, आधार कार्ड खो दिया, वाह बड़े बुद्धिमान हो, आधार कार्ड खो दिया, वाह बड़े बुद्धिमान हो। तो ये बुद्धिमान है वाचक अर्थ नहीं है और ना ही लक्ष्य अर्थ है, ये व्यंग्य अर्थ है, इसमें व्यंग्यार्थ है, है ना। यहाँ बुद्धिमान कह रहा है लेकिन अर्थ कुछ और ही निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है बेवकूफ हो, बेवकूफ है, काम की चीज खो दी, समझ आई बात है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो व्यंग्य अर्थ दिखाते हैं। ये जो तीनों हमारे काम आएगी जब मैं शब्द शक्ति करवाऊंगा तब, ठीक है। अब बात आती है विकार के आधार पर, तो विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी भी चार होते हैं, अविकारी भी चार होते हैं। ये चार कौन कौन से होते हैं देखें एक बार। ये विकारी चार ये हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी ये हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। एक जो और हैं अव्यय शब्द, जैसे निपात होते हैं, निपात है। ये निपात भी अव्यय ही होते हैं, ठीक है ना। इनमें आता है ही भी, जो विशेष बल देते हैं किसी बात पर, ठीक है ना, वो वाले। एक स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक शब्द भी आते हैं, जैसे हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो हाँ ना, ये नकारात्मक, स्वीकारात्मक, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी अव्यय होते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्रिया विशेषण में ले लेते हैं। इन इसके चार भेद और हैं, ठीक है, बड़े बड़े, तो फिर उन भेदों में भी उपभेद हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो मैं करवा चुका हूँ, अगर आप कहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उनको फुर्सत में देख लेना एक एक को, और आपको दोबारा से करवाओ तो मैं एक एक को फिर से शुरू कर दूंगा, ठीक है। और ये भी मैं करवा चुका हूँ बहुत बार, लेकिन अब ऐसा करेंगे, कंपटीशन नज़दीक आ रहे हैं तो शॉर्टकट में ही इनको समझेंगे, ज़्यादा अभ्यास प्रश्न दे देकर करवा दूंगा, बहुत सारे प्रश्न दूंगा, उनमें इन सब का अभ्यास करवाऊंगा, चार ऑप्शन दे दे करके, ये है तो क्यों, ये नहीं है तो क्यों, प्रत्येक में ऐसे करते हुए आपका अभ्यास करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मोटी मोटी बातें, और फिर प्रश्न बना बना कर अभ्यास कराऊंगा। तो आप जुड़े रहें, लगातार बने रहें मेरे साथ, मैं आपका भलाई चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे आ रहा है वो मैं आपको देकर जाऊँ, ठीक है। क्या करूँगा, मैंने जो सीखा है वो यूं ही तो सीखा नहीं, पहले पालाथी लगाकर घंटों बैठा हुआ होगा, है ना। तो इतनी मेहनत करके जो मैंने उपजाया है या प्राप्त किया है उसको किसी को बताऊंगा नहीं तो क्या काम का, वो मेरे तो काम आ गया, मैंने तो शिक्षा करके नौकरी लग गया मैं तो, लेकिन अब वो नहीं करूंगा, नहीं उस पर चिंतन मन करूंगा, उस पर टाइम नहीं दूंगा, तो धीरे धीरे भूलने लग जाऊंगा। तब मैंने ये चैनल शुरू किया है कि मैं सीखी हुई चीज़ को भूलूं नहीं, और जिस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से या विविध उदाहरणों से या विविध प्रकार से सीखा है तो मैं उसी तरीके से किसी को समझाना चाहूँ, क्या पता उसके समझ में आए, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि मेरी मेहनत किसी और के भी काम आ जाए। मेहनत तो मैंने कर ली, जिस प्रकार से मैंने सीखा है तो किसी ना किसी तरीके से सीखा है, और प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक टीचर के पढ़ाने का अपना अलग तरीका होता है। हो सकता है इतनी भीड़ में से किसी और के नहीं, मेरे वाले तरीके से ज़्यादा समझ में आता हो, तो फिर मैं अपनी सीखी हुई चीज़ का उपयोग ना करूं, ये तो मूर्खता हो जाएगी, इसलिए मैंने किया है, ठीक है। और मैं ज़्यादा व्यू बढ़ाने के वैसे चक्कर में नहीं हूँ, जैसे और
फूड वीडियो बनाते हैं या द्वि अर्थी शब्दों का प्रयोग करके या शॉर्टकट अपनाते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति का मैं आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो इसलिए आपको शेयर करने के लिए कहता हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो 4 को क्यों, 8 को क्यों नहीं, इसलिए, ठीक है। तो इसको शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एक चीज़ और देखें, तत्सम तद्वो छांटने का वैसे तो मैं तरीका और बाद में बता दूंगा, लेकिन थोड़ी सी बातें हैं वो यहाँ देख लो। अब ये 4 शब्द देखिए, राजेंद्र, खिड़की, थल, स्थल। अगर इसमें पूछे तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान दें, एक तो राजेंद्र संधि का शब्द है, राजा इंद्र, राजेंद्र ए बन गया। तो हमेशा याद रखें, संधि जो है वो संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती। कई कहेंगे हिंदी में नहीं होती, हमेशा करते हैं ना, देखो हिंदी की प्रकृति संधि वाली नहीं है, संधि तत्सम शब्दों में होती है और तत्सम शब्द संस्कृत के हैं, हिंदी के नहीं है, ठीक है ना। तो हिंदी में तो संधि इसलिए लानी पड़ गई क्योंकि कुछ शब्द होते हैं उनका अर्थ समझ में नहीं आए तो फिर उनके टुकड़े करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो पता लगता है कि हाँ ये दो शब्द जुड़े हैं। तो संधि वाले शब्दों को समझने के लिए संधि हिंदी में लानी पड़ी है, उसका प्रयोग होता है, उसके बिना हिंदी अधूरी रह जाती है, ठीक है। लेकिन मूलतः संधि तत्सम शब्दों की होती है और संस्कृत की है, ठीक है। तो ये संस्कृत के शब्द हैं, तो मतलब ये तो तत्सम है ना, तत्सम। तद्भव पूछा है उसने, तो तद्भव तो ये नहीं है, इसको कम कर दीजिए। अब रही खिड़की, तो तैयारी करते हैं नौकरी लगने के लिए, तो कुछ तो दिन 2-3 घंटे दिन में देने पड़ते हैं ना, तो कुछ तो किताब खोलते हैं, कुछ तो अपनी मेहनत करते हैं ना, दिखाते हैं ना। तो एक बार जो तद्भव शब्द जितने भी गाइडों में दे रखे हैं एक पेज लगा कर लिख लीजिए। अगर गाइड 2-3 तरह की बाजार में आई हुई है तो खरीदने की जरूरत नहीं होती, किसी दोस्त के पास पड़ी है उसमें तद्भव शब्द देख लीजिए या देशज देख लीजिए, वो अपने लिस्ट में जो है वो ठीक है, कुछ 1-2 अलग दे रखे हैं वो इकट्ठे कर लीजिए, किसी दूसरी गाइड में 2-4 और दे रखे हैं देशज शब्द, है ना, तो उनको उतार लीजिए। अपने पेज पर देशज शब्दों की जितने भी है 10-15-20-25-30 जो रूटीन में आते हैं चलते रहते हैं वो, है ना, वो लिख लीजिए, उनके 1-2 रीडिंग लगा लीजिए, जो आपका स्टडी रूम है वहाँ लगा के रख लीजिए, तो बार बार नज़र जाएगी तो याद रह जाएगा कि हाँ ये तो देशज है, है ना। तो खिड़की देशज शब्द है। ठीक है, फिर रह गई बात, इन दोनों में से देखें तत्सम और तद्भव, तो यहाँ बात ये है कि ये तद्भव है, क्यों ये तत्सम है, क्यों मैंने कहा था ना तत्सम से तद्भव कैसे बनते हैं। एक तो क्या है, तत्सम शब्द थोड़े बोलने में क्लिष्ट होते हैं और भाषा सुगमता की ओर बहती है, स्थल सेना थोड़ा दिक्कत आती ना बोलने में, तो सीधे ही बोलते हैं थल सेना, तो सीधे ही बोलते हैं सुगमता के लिए। वो बताया ना मैंने, दुग्ध आ गया, दुग्ध के पैसे दे दो, दुग्ध उफन गया, दुग्ध पी लो, दुग्ध ठंडा हो गया, दुग्ध, तो सुगमता से दूध बना ना, तो वैसे ही स्थल की जगह थल बन गया सीधा ही, तो ये सुगमता से जो बने नए वो तद्भव कहलाते हैं, ये तरीका इस्तेमाल कर लेना, समझाई बात है। जैसे मैंने पीछे के एक उदाहरण में बताया था मुंह है और मुख, औरों में पता लग जाए, जैसे यहाँ खिड़की के या राजेंद्र की बजाय या खिड़की के बजाय कोई और शब्द हो, जैसे यहाँ हो ऋण, ठीक है, यहाँ हो परिषद, अब इनमें से छांटना है, तो देखो री क्षय, है ना, क्षय, ये सारे जो अक्षर हैं, है ना, ये तत्सम शब्दों में आते हैं, कुछ निशानियाँ याद रख लो, बहुत सारे पेपर बेलने पड़ते हैं सिलेक्शन करवाने के लिए, कुछ रटने पड़ते हैं, कुछ समझने पड़ते हैं, कुछ ट्रिक से करने पड़ते हैं, कैसे भी हो दिमाग में बिठाना जरूरी है, सीधे बैठ रहे हैं तो किसी भी तरीके से जैसे आपको सुगम लगे। तो ये क्षय, ये क्षय, है ना, ये री, इस तरह के और भी है, ये शब्द में कहीं भी आते हैं तो वो तत्सम शब्दों में ही आते हैं, तो ये तत्सम है, ये तत्सम है, हमें तो तद्भव छांटना था, फिर ये 2 रह गए, तो मुंह है मुख, इसमें देखना पड़े तो कुछ तो यूं बता देते हैं कि अनुनासिक जो है चंद्रबिंदु वो वाले तद्भव होते हैं, चलो वो तरीका बता दिया, लेकिन और कोई शब्द हो तो वो सुगमता वाला जो तरीका है ना वो भी यूज कर लिया करो, मुख,
तेरा मुख, तेरा मुख दिखा, मुख एक झटका सा लगता है ना, द्विधा सी होती है ना, और भाषा सुगमता की ओर बहती है, तो मुख 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 से हम मुंह सीधे मुंह बोलने लगे, तो ये मुंह जो सरलता से निकल रहा है, सुगमता से निकल रहा है, तो ये तद्भव है। भाषा सुगमता की ओर बहती है तभी तो तत्सम से तद्भव बनते हैं ना, समझ यही बात है। तो यहाँ सुगमता वाली बात से याद कर लेना, दुग्ध 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 दूध उस तरीके से भी छांट लेना, तो मुख जो है वो तत्सम है और मुंह तद्भव है, इस तरह से छांट लिया करो, ठीक है। और बाकी बातें डिटेल में देंगे, धीरे धीरे करवाएंगे, मुझे आज इतना ही करवाना था कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर, तो ये सारे कैसे याद करें, तो आपको दोबारा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उत्पत्ति के आधार पर पहले याद कर लो, मतलब उत्पन्न, उत्पन्न पैदा कहाँ से हुए, यानी लाखों शब्द हिंदी में आए कहाँ से, तो आधे तो संस्कृत से आ गए, संस्कृत वाले चल रहे हैं, आधे को उन्हीं से सरल रूप बन गया, वो है तद्भव है, आधे देश में ही अपने जो क्षेत्रीय विशेष में पैदा हुए हैं वो शब्द हैं देशज, और आधे विदेशी भाषाओं से आ गए, तो इस प्रकार से लाखों शब्द हिंदी में इकट्ठे हो गए। दूसरा तरीका है व्युत्पत्ति, यानी रचना, चलो जहाँ से भी आ गए पर उनकी बनावट कैसे है, तो आधे तो मूल शब्द हैं, आधे किसी से शब्द से या शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर बने हैं, वो यौगिक हैं, और बाकी योग रूढ़ है जिनका विशेष अर्थ निकलता है। फिर बात आ गई व्यंजक बोलने के आधार पर या उसके अर्थ के आधार पर, तो वाचक लक्षक व्यंजक ये वहाँ काम में ले लेंगे जब शब्द शब्दी करो शब्द शक्ति करवाएंगे, ठीक है। अब रहेगी बात विकार के आधार पर, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये तो चार विकारी हो गए, और क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक और विस्मय बोधक ये अविकारी हो गए, और निपात भी अविकारी होते हैं, और क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, स्थान बताया जाए तो स्थानवाचक होता है, रीति बताया जाए क्रिया की दशा है ना स्थिति तो वो रीतिवाचक होते हैं, मात्रा बताया जाए तो वो परिमाणवाचक होते हैं, तो इस प्रकार से ये इनके भेद और उपभेद होते हैं, तो बाद में धीरे धीरे करवाते रहेंगे, वैसे मैंने ये करवा दिए हैं, आप लिंक में देखना चाहे तो देख लें, नहीं तो दोबारा से शुरू करा देंगे। मैं बार बार एक एक चीज़ बोलता हूँ तो यूँ लगता है कि यार कितनी बार बताएगा, तो मैंने पीछे के वीडियो बना रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।